जैसा कि हम जानते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला जो है वो चल रही है और प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर हैं, तो उसी दौरान बद्रीनाथ धाम में उन्होंने इसका जायज़ा लिया, जिसके तहत उन्होंने देखा कि आगमन प्लाजा और झीलों के विकास में कितनी प्रगति हुई है, काम कहाँ तक पहुँचा है। और इसी में आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम में मौसम ख़राब है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री, एक बात और बिल्कुल यहाँ पर गौर करने लायक है कि प्रधानमंत्री ने छतरी खुद पकड़ रखी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कहीं पर कोई बड़े नेता, बड़े वीआईपी जाते हैं तो उनकी छतरी कोई और पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छतरी को खुद पकड़े हुए हैं और ख़राब मौसम में विकास कार्यों का जायज़ा ले रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। ये तस्वीरें आप बद्रीनाथ धाम की ही देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो देख लीजिए ये तस्वीरें, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तस्वीरों में यह भी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री खराब मौसम में खुद छतरी पकड़कर विकास कार्यों का जायज़ा ले रहे हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री प्रगति, प्रगति जो एक शब्द है उस पर प्रधानमंत्री का ख़ास फोकस रहता है। और यह भी कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि जिन चीज़ों की वो आधारशिला रखते हैं उसका भी तय समय में, जो समय तय किया जाता है निर्माण कार्य का, उसी में वो उद्घाटन करते हैं। और ये पीछे के सारे रिकॉर्ड भी कहते हैं कि ऐसा होता है।